क्लासिफिकेशन और ऑड वन आउट बोथ आर सेम वर्ड्स सेम मीनिंग ऑफ कोर्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑड वन आउट एम टू टेस्ट अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू क्लासिफाई वेरियस आइटम्स इनटू अ ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कॉमन प्रॉपर्टी वट एवर कॉमन प्रॉपर्टी इन योर क्वेश्चन वुड बी एंड यू हैव टू क्लासिफाई देम इन देयर वेरियस आइटम्स The items given may be numbers, letters, words. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. We were doing letter classification. In our last video, we already had done number classification and many questions of letter classification. You can go to the description box or go to the Dhriti Sang Seekho channel and you can get from there reasoning Olympiad or you can see that Olympiad Logical Reasoning of Class 6. Yes, highly useful for all school students participating in various Olympiads and competitions. These are really useful for you, actually. Okay, welcome to Dhriti Sang Seekho channel. Yes, you are most welcome on this channel as we were doing our topic Odd One Out. We were doing our topic Odd one out. Okay. Our topic was odd one out, and in our last video we discussed about these all examples. We discussed about this question of letter classification, and. This one also we already had discussed and this one also we already had discussed. Yes. And yes, question 11 we already had done. Yes. And this one was also done and we were on question number 13. But before doing that question, we have to know about odd one out again. What is the mean of odd one out? Yes, as you know, odd one out, in odd one out, a group of letters are given here. Yes, in letter classification, I'm talking about letter classification. A group of some items are here and all these items except any one, kisi one ko chhod ke, all are similar in certain way. Yes, you are required to spot out that odd item. Yes, you have to, and the one which does not fit into the group of items, it which doesn't fit, जो fit नहीं हो रहा है, of course. ठीक है, तो as I tell you before, it's like a classification also. You can say that. Okay, तो मैंने last ये वाला करवाया था question 12. ठीक है, उसके आफ्टर हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, इसकी एक्सप्लेनेशन पे थे. दैट वाज एज अ होमवर्क फॉर यू आल्सो. अगर आपने कर लिया है देन दैट इज़ गुड. यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट एंड आंसर वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू इन फ्यू सेकेंड्स. ओके, लेट्स डिस्कस इट एज हियर इट इज. Okay, look at here. A is on A position, B is on second position. Means alphabetical orders में जब letters आते हैं, A number 1 पे आता है और number 2 पे क्या आता है, B आता है. But D कहाँ आता है, ये तो number 4 पे आता था, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए. No, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको इधर होना चाहिए था, और वो भी फोर आइटम्स के साथ. ये गलत आया हुआ है ना, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सी को होना चाहिए था. मीन्स इट शुड बी देयर. बट यहाँ पे क्या है, अभी तो यहाँ पे डी है, ट्रिपल डी, आई मीन टू से एक्सेप्ट दीज थ्री डीज. Each letter is repeated as many times as its position in the alphabet. So, D, D, D means option
सी, डी डी इज ऑड वन, इसने आके गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे, इसी ने आके गड़बड़ की। हम इसको भी कह सकते हैं कि इसने यहाँ पे गड़बड़ की, पर ये तो अपनी पोजीशन पे ठीक था, थर्ड नंबर पे होता तो, अगर ये बीच में नहीं आया होता तो ये थर्ड नंबर पे आ जाता। तो इसने बीच में जंप लगा के गड़बड़ कर दी, और फोर टाइम्स भी नहीं है ये, क्योंकि ए बी सी की हम काउंटिंग करें, ए बी सी, डी डी कौन से नंबर पे आता है, यस डी फोर्थ नंबर पे आता है, तो डी को फोर्थ नंबर पे ही रहना चाहिए था। अरे डी क्या हो गया, डी को फोर्थ नंबर पे ही रहना चाहिए था ना। बट डी आ गया हमारा थर्ड नंबर पे, तो इसलिए इसने गड़बड़ कर दी है, तो हम इसको ऑड वन मानेंगे। एंड सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंड ऑड वन आउट, लेट इट आउट, गेट आउट, यो यस। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके एज आई टेल यू बिफोर इन माई अदर वीडियोज, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन योर ऑन, एंड आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन, वेन आवर आई विल एक्सप्लेन यू, ऑफकोर्स आई विल गिव यू द आंसर ऑफकोर्स, एंड देन टेल मी योर आंसर इज राइट मैचिंग टू मी, देन गिव योर सेल्फ 4 मार्क्स, अदरवाइज -1, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट मी हाउ मैनी मार्क्स यू गॉट इन दैट। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे ऑफकोर्स हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड अगर माइनस में होगा देखते कितने आते हैं आपके मार्क्स। ओके कम ऑन लेट्स स्टार्ट इट नाउ, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14, एंड हेयर दैट इज ऑप्शन ए इज वी यू टी, ऑप्शन बी इज पी ओ एन, ऑप्शन सी इज एफ ई डी, एंड ऑप्शन डी इज डी ओ एन, डॉन, यो फेड पॉन वी यू टी, आई डोंट नो व्हाट इज मीन इज, बट मैंने कोई तो वर्ड लिखना है ना। बट यहाँ पे अब क्या लॉजिकल रीजनिंग चल रही है। अच्छा इनको ना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो आप ए बी सी आपको सबको आती है, ऑफकोर्स 6 के स्टूडेंट हो, नो डाउट आती ही होगी, नर्सरी से आती है हमें यार, तो हमें अब क्यों नहीं आती होगी। चलिए अगर हम ए बी सी की बात करें तो रिवर्स में, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आपने अगर रिवर्स वाले ट्राई की हो तो आप उसको फिर से ट्राई करो, आप पढ़ो इनको ना, रीड करोगे एस टी यू वी, कंटिन्यू चल रही है ना, यस द लेटर्स व्हेन रीड फॉर्म बैकवर्ड मींस राइट एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, लुक एट हियर, एम एन ओ पी, एम क्या आता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ए बी सी डी डी ई एफ आता है ना, डी ई एफ, एस टी यू वी हमने पहले अभी भी जो किया, अब एन ओ डी, डी ओ एन, डॉन तो बनता है बट ए बी सी में ये कहीं नहीं आता है, तो ये हमें लगता नहीं कि कहीं आता हो, ए बी सी की आते हैं बट दूर दूर आते हैं, एक दूसरे को कॉन्टिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिवली नहीं चल रहे हैं, इन ईच लेटर ग्रुप, इन ऑल दीज लेटर ग्रुप्स ग्रुप एक्सेप्ट डॉन, डी ओ एन, द लेटर्स वेन रीड फ्रॉम बैकवर्ड मीन्स राइट एंड से चलते हैं, अब ए बी सी की राइट एंड, ए बी सी आप एक सीक्वेंस में लिखो, उसके राइट एंड से चलो, बैकवर्ड से चलेंगे हम इसके, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, इन्होंने एक कॉन्जिक्यूटिव लेटर का, सो वी कैन से दैट इन ईच लेटर, यस इन सॉरी इन ईच लेटर्स ग्रुप एक्सेप्ट डॉन मीन्स ये वाला जो हमारा डी ऑप्शन पे दे रखा है हमें, दी लेटर्स वैन रीड फ्रॉम बैकवर्ड एज आई टेल यू बिफोर, हमने राइट एंड से लिया है, फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, इन्होंने बना दिया ये देखो, एंड हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, इट इज द ऑड वन आउट, सो आई मेक इट आउट, यस। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हियर वी आर ऑन आर नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ा सा ट्राई करें खुद, क्योंकि क्यों करें हम खुद, ये थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, मीन्स थोड़ा इसमें ट्विस्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़्यादा है ये. जैसे मैंने पहले बताया, हमारी लॉजिकल रीजनिंग में जब भी हम करने बैठते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे आपको, बट कुछ बहुत डिफ़िकल्ट मिलेंगे. अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, आपको नहीं मिल पाएगा इजीली, ठीक है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी करती हूँ. आप पहले एक बार खुद ट्राई करो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका आंसर, फिर हम मैच करते हैं, और अगर आपका ठीक आता है तो गिव योर सेल्फ 4 मार्क्स, अदरवाइज -1. एक्चुअली दैट क्वेश्चन इज़ वेरी ट्रिकी. ट्रिक लगानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में हमें. ट्रिक क्या लगानी पड़ेगी? पहले हमें ये देखना पड़ेगा. मैंने यहाँ पे देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख के रखे हैं. क्यों लिख के रखे हैं? हमें अगर आपने, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने नंबर वाइज लर्न कर रखी होगी एबीसी, ये कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है, ऐसे ही बैकवर्ड में लर्न कर रखी होगी, एक तो ब्रेन शार्प होगा बच्चे आपका, और सेकेंडली क्या होगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. एज़ यू कैन सी हेयर, एच एस इज़ ऑन ए, एम वाई इज़ ऑन बी, एल ओ ऑन द सी पोजिशन, एंड वी इज़ ऑन द डी ऑप्शन. यस, चलिए लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ. हेयर दैट इज़ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एच एस. एच एस देखते हैं एच कौन सी पोजीशन पे आता है. देखिए एक मिनट, मैं रेड पेन चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है. एच देख लेते हैं हमारा कौन सी पोजीशन पे है. ये रहा हमारा एच, ए 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, इट इज़ ऑन द 8th पोजीशन. यस, इट्स ऑन द 8th पोजीशन एज यू कैन सी हेयर, ठीक है. और इसमें जो एस है, जो हमें एस दे रखा है, ये कौन सी पोजीशन पे है. बट एस हमें ये नहीं देखना, हमें स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन पे है. स्टार्टिंग से तो ये हमारा आएगा आई थिंक 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. यस, ये हमारा 19 पोजीशन पे जाएगा. बट सबके साथ सेम लॉजिक नहीं चल रहा है. इफ़ यू वॉन्ट टू चेक देन लेट्स टेक अ लुक. एल, ओके एल, ये रहा हमारा एल, 8 9 10 11 12. नाउ इट इज़ ऑन द 12 पोजीशन. यस, इट्स ऑन द 12th पोजीशन. ठीक है, बट वो हमारा क्या, कौन सी पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे है. मीन्स इस टाइप का कोई ट्विस्ट है, क्योंकि ये 8, ये किस टाइप से ये ट्विस्ट करके चलेगा, नहीं चलेगा. अभी हमें क्या देखना है, ये देखना है कि एच जैसे हमारा 8th पोजीशन पे है, तो ये बैकवर्ड से हमारा कौन सी पोजीशन पे है. यस, बैकवर्ड से इसको चेक करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, इट्स आल्सो ऑन द 8th पोजीशन. यस, इट्स आल्सो ऑन द 8th पोजीशन. ये भी 8th पोजीशन पे ही है. जैसे ये फ्रंट से है 8th पोजीशन पे, ये बैकवर्ड से है 8th पोजीशन पे, ठीक है. एंड सेम इट भी सेम इज विद एल ऑल्सो. एल एल हमारा 12th पोजिशन पे है, तो ओ देखिए हमारा ओ कौन सी पोजिशन पे है, ओ भी चेक कर लेते हैं. एस हमारा 8th पे था, 9 10 11 12. यस, इट्स ऑल्सो ऑन द 12th पोजिशन, है ना सेम. ये भी हमारा सेम 12th पोजिशन पे है. चलिए अब एक बार वी को भी चेक कर लेते हैं. यस, वी कहाँ पे है हमारा, वी हमारा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. यस, इट इज़ ऑन द 22 पोजीशन, 22nd पोजीशन पे है अब ये. ट्वेंटी सेकेंड पोजीशन पे है. चलिए बैकवर्ड से ई भी चेक कर लेते हैं. ई, ओके, यहाँ पे हमारा 12 था, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. यस, इज़ ऑल्सो ऑन द 22nd पोजीशन. ये भी हमारा 22nd पोजीशन पे है.
आ रही है आपको समझ? जैसे हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट जिस पोजीशन पे हमारी सीक्वेंस में जो चल रही होती है ABC, उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे है हमारा सेकेंड लेटर, बैकवर्ड से उसी पोजीशन पे है, उसी नंबर पे आ रहा है। अभी हमने सभी का चेक किया है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। MY भी सेम आता है, चलिए M को चेक करते हैं। M 12 13, हेयर दैट इज M, हमारा 13 पोजीशन पे है। तो क्या हमारा Y 13 पे है? अरे ये तो हमारा सेकंड पोजीशन पे ही आ गया। सेकंड पोजीशन पे है ना ये, तो सेकंड पोजीशन पे ही आ गया। तो क्या MY इस रूल को फॉलो कर रहा है? विच एवर रूल इज फॉलोइंग बाय अदर लेटर्स, अदर वर्ड्स जो कर रहे हैं, अदर सॉरी अदर लेटर्स जो कर रहे हैं, तो क्या MY भी सेम लेटर पे चल रहा है? नहीं, इट्स नॉट गोइंग लाइक दैट। एक्सेप्ट MY इन ईच लेटर्स ग्रुप द सेकेंड लेटर इज प्रेजेंट एट द सेम पोजिशन एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेटर, ऑन द सेम पोजिशन एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेटर, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। येस, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, सेम पोजिशन पे तो है, क्योंकि एच अगर हमारा 8th पोजिशन पे है तो एस कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली है, दैट कांट बी ना। तो ये अगर स्टार्टिंग से है तो ये एंड से है हमारा एस। येस, दिस काइंड ऑफ रूल इज फॉलोइंग ऑन, एंड सेम थिंग इज एज एच एस एच ऑन द 8th, बट एस इज ऑन द 19th एक्चुअली, बट फ्रॉम स्टार्टिंग। बट इफ वी गो फ्रॉम एंड, इट इज ऑल्सो ऑन द एंड 8th पोजिशन। येस, एलो में भी सेम था हमारा, एल इज ऑन द 12th पोजिशन एंड ओ इज ऑल्सो ऑन द 12th पोजिशन बट फ्रॉम द एंड। एंड VE में भी V इज ऑन द 22nd पोजिशन एंड E इज ऑन द ऑल्सो ऑन द 22nd पोजिशन बट फ्रॉम द एंड। येस, बट MY में देखो ये कौन सी पोजिशन पे है। M हमारा 13th पोजिशन पे है एंड Y तो वैसे 25th पे है, और अगर हम बैकवर्ड से भी चेक करें तो ये सेकेंड पोजिशन पे है। सो दिस इज द ऑड वन, दिस वन इज द सॉरी ये तो नहीं है ना। येस, सो दिस वन इज द ऑड वन, सो वी कैन सी दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। येस, देखो जो ऑड निकलता है वही करेक्ट है, क्योंकि हमने ऑड वन आउट करना है ना। येस, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, व्हाट दैट इज ML TSGIBC। ओके, ट्राई किया आपने? एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करके देखो, देखो क्या ट्विस्ट है। देखो ऊपर वाला तो कितना ट्विस्टिंग था बट इंटरेस्टिंग था। येस, ओके, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। देखते हैं इसमें क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट चल रहे हैं, विच वन कैन बी ऑड वन आउट। ओके, लगाइए लगाइए, कुछ लॉजिक लगाते हैं। इसमें क्या लॉजिक है? देखो इसमें हमने क्या करा, -1। येस, वी गो -1 GKLM। ये देखो ऊपर हमारी ABC में पता चल रहा है हमें, M से एक माइनस किया तो नेक्स्ट वाला आ गया ना माइनस करने पे। ऐसे ही हमारा सेम इसके साथ है S, जैसे हमारा ST चल रहा है, ST में भी सेम -1 एंड IJ। ऊपर देखो हमारा IJ है ना, IJ J से ये रहा हमारा I, ये रहा ना I, तो यहाँ से हम ये -1। ओके, अब BC, B के आफ्टर है C, ये देखो B के आफ्टर C है, तो B के आफ्टर C होने से इसने थोड़ा सा अपना अलग सा
ट्रिक बना दी, ये इस पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं चला, जैसे बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स चल रहे थे, लेटर्स चल रहे थे, सॉरी वर्ड्स नहीं है, ये लेटर्स हैं, ये इट्स द लेटर सीरीज ना, वी आर डूइंग लेटर क्लास, लेटर्स क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, यस। तो जैसे एम एल में माइनस वन करके, डी एस में भी सेम वाज गोइंग ऑन, एंड जी आई इन द सेम वन वाज गोइंग ऑन, बट ऑन व्हेन वी कम ऑन द बी सी इट्स नॉट, इट इज़ अ प्लस वन एक्चुअली, इट इज़ अ प्लस वन, इसने माइनस वाली उसको रूल को फॉलो नहीं किया, सो लेटर्स ग्रुप बी सी इज ऑड वन, यस दिस वन इज ऑड वन, सो वी विल नॉक इट आउट, यस हैंस ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, देखते हैं कहाँ पहुँचे हमारे क्वेश्चंस। ओके वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 17, ओके लेट्स डू इट नाउ। ओके क्या कह रहे हैं, 21C, 13D, 33F, 23G। चलिए हमें ये तो समझ में थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है कि सी डी ई एफ जी होना चाहिए, समथिंग समथिंग सा कुछ ऐसा, तो क्या सिर्फ यही एक डिफरेंस होगा? अगर आपने ट्राई किया हो पॉज करके तो आपको थोड़ा समझ में आया, क्योंकि सी डी ई कहाँ गया हमारा, एफ होना चाहिए उसके बाद जी आना चाहिए, जी तो अपनी पोजीशन पे, एफ बीच में ए आ गया, बट क्या यही लॉजिक लग रहा है? नहीं, इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा है, ऑफ कोर्स ये नहीं लगेगा, इसमें क्या दे रखा है, बट इसमें सिमिलरिटी क्या है, फिर हमें बाकी ग्रुप ने क्या सिमिलरिटी फिट करी, जैसे कि हम ऑड वन आउट में क्या कहते हैं, ऑल द आइटम एक्सेप्ट वन सिमिलर इन अ सर्टेन बी, ऑल द आइटम्स शुड बी सिमिलर एक्सेप्ट एनी वन, किसी एक को छोड़ के कोई भी एक हो सकता है, बाकी सब सिमिलर होने चाहिए। तो इसमें सिमिलरिटी हमें कहाँ नज़र आई है इस क्वेश्चन में, अभी सिमिलरिटी का तो कोई सीन नहीं, सिर्फ सी डी से हम अपने आप ही एक आइडिया लगा के चल रहे हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसमें क्या है, जैसे हमारा 21 है, 21 में अगर मैं 2 को प्लस करूँ, अब मेरे को लगता है थोड़ा सा आइडिया फटाफट से लग चुका होगा, 1 इट विल कम 3, एग्री ना, एक मिनट ये प्लस का साइन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है इन दोनों को प्लस करने पे, और ए बी सी में सी कौन सी पोजीशन पे आता है, सी आता है ना थर्ड पोजीशन पे, सी आता है सेम थर्ड पोजीशन पे, ऐसे ही अगर हम 1+3 करें कौन क्या आता है हमारा, इज इक्वल टू 4, तो डी कौन सी पोजीशन पे आता है हमारा, डी ए बी सी डी फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास, यस। ओके अगर हम 33 को प्लस करते हैं, 33, ओके हियर दैट इज 3+3 इट इज इक्वल टू 6, तो F कहाँ जाता है, A B C D E F, इट्स ऑल्सो ऑन द 6th पोजीशन, अभी तक तो भाई सही सर्टेन रूल फॉलो कर रहे हैं, ये सब के सब सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी विद द 23 ऑल्सो, 2+3, चलो करते हैं अब 2+3, यस इट इज इक्वल टू 5, तो क्या अब ये जो हमारा 5 है क्या इस रूल को चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी कौन सी पोजीशन पे आता है, अरे ये तो नहीं आता है, यस इट्स नॉट इक्वल टू 5th पोजीशन, यस इट इज़ ऑन द 7th पोजीशन,
इट्स ऑन द सेवेंथ पोजिशन, ये फिफ्थ पोजिशन पे नहीं है। सो ये वाला कैसे हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इन ईच पेयर एक्सेप्ट 23G द सम ऑफ द डिजिट गिव्स द पोजिशनल वैल्यू, जो इनकी पोजिशनल वैल्यू है। येस, पोजिशनल वैल्यू ऑफ द लेटर रिटर्न अलॉन्ग साइड वट एवर इज रिटर्न ऑन द अलॉन्ग साइड। लुक एट हियर, एस 2+1 3 सी इज ऑन द थर्ड पोजिशन, 1+3 1+3 4 ऑन द डी इज ऑन द फोर्थ पोजिशन एंड 3+3 6 एफ एफ इज ऑन द सिक्स पोजिशन एंड 23 बट 23 2 और 3 हमारा 5 होता है एंड जी इज नॉट ऑन द सेवेंथ पोजिशन। यस, विच रिप्रेजेंट ई, जो फिफ्थ है हमारा ई पोजिशन पे ई आना चाहिए यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे, बट यहाँ पे क्या है जी नॉट ई, सो दैट 23G इज ऑड वन, दिस वन इज ऑड वन। यस, दिस वन इज ऑड वन, तो इसको हम नॉकआउट कर देंगे। यस, इसको हम करते हैं, चलिए दिस इज द ऑड वन आउट। यस, हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। ओके व्यूअर्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर मी, कमेंट मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है मैं अपने हर वीडियो में आपको बहुत पहले ही बता देती हूँ कि हाँ भाई लॉजिकल रीजनिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लॉजिकल रीजनिंग से ही हमें हर कम्पिटिटिव लेवल में एक अच्छा स्कोर मिल सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू डू मैनी मैनी क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अभी हम ऑड वन आउट टॉपिक कर रहे हैं, इसके बाद हम जंबल वर्ड्स वाला भी मैंने इसमें डाल रखा है। आप देखो धीति सक सीखो चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे अभी कोडिंग डिकोडिंग भी पे भी चलेंगे, बहुत सारे वीडियोस हम बनाने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, अच्छा हम मैथमेटिकल रीजनिंग भी इसमें थोड़ी कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आप और भी शार्प बन सकते हो। यस, तो स्कोरिंग गुड हो जाएगी। सो दैट टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, थैंक यू।